भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अजमेर आसपास में जो बरसात के कारण से किसानों को जो हुआ नुकसान मुआवजा को लेकर रक्षा से मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अजमेर आसपास में जो बरसात के कारण से किसानों को जो हुआ नुकसान मुआवजा को लेकर रक्षा से मिले हैं। विशेष गिरदावरी का प्रावधान तो है ही, लेकिन अब तक कोई पटवारी गिरदावरी करने के लिए नहीं आया। हमारी ये मांग है कि इनको बीमा के अलावा राहत कोष से भी किसानों को मुआवजा मिले, जिससे काश्तकार का हुआ नुकसान की पूर्ति हो सके। इस बात को लेकर हम कृषि से मिले हैं और कृषि ने आश्वासन दिया। हाँ जी, कहाँ से किसान है? ये कहाँ, पूरे ज़िले से हैं साहब। भिणाई, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर, चारों तरफ से किसान, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा काम कर रहा है पूरे गांव। कौन सी फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ? ज़्यादा नुकसान हुआ है साहब, गेहूँ, चना, जीरा, रायडा कुछ निकल गया, कुछ है जो खेतों में पड़ा है उसमें कटे हुए में ही नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान जीरा में है, चने में है, गेहूं में है, गुच्ची में है। बहुत बड़ा नुकसान है किसानों को, बहुत बड़ी डोरी मार पड़ी है। आप प्रशासन से किस तरह का मुआवजा मांगते हैं? हम किसानों से, पर इनसे किसानों के लिए मुआवजा मांगते हैं कि भाई कि इनको जो नुकसान हुआ है रात को से दे, स्पेशल को पैकेज दे राजस्थान सरकार। क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा अभी हम कर रहे हैं, तो SDO को, तहसीलदार को बता दिया है, वो जो मतलब आ जाती है रिपोर्ट सरकार को भिजवा के और कास्तकारों को दिलाएंगे। कर रहे हैं, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, बहुत जल्दी कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे अगर ये समय से रहते, अगर इन्होंने नहीं किया तो। आपका नाम और पता? पवनलाल बुला, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजमेर देहात।